हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। अब हम हिस्ट्री के जो हैं वो लगभग लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं, जहां पर A4 में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें हम प्रजामंडल आंदोलन जो है हमने वो पढ़ना है, 4.7 A4.7 नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश 1848 से 1948 तक, HAS मेंस GS पेपर 1 यूनिट 1 सब यूनिट 3। तो सबसे पहले हम प्रजामंडल मूवमेंट से पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई प्रजामंडल जो है गठन की ना, 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पहाड़ी रियासतों के लोगों में बड़ी तेजी से जागृति आई। वहां पर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आरंभ आंदोलन जो है वो शुरू होने लगे। कांग्रेस को भी ये बात समझ आने लगी कि वह रियासती प्रजा को मार्ग दिखाए, साथ ही कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता भी प्राप्त करनी थी, इसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। ये रियासतें भारत के ही टुकड़े थे जिन्हें भारत से पृथक नहीं रखा जा सकता था। तो इसी संदर्भ में 17 दिसंबर 1927 को बंबई में जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, और इसका पहला अधिवेशन 1927 में हुआ। ये इंडिया जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब है कि जो रियासतें थी उनमें प्रजामंडलों का गठन करने के लिए, पूरे देश की रियासतों की बात की गई, सिर्फ हिमाचल की नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये पहली कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई। फिर बात करते हैं लुधियाना कॉन्फ्रेंस, ये 1939 में हुई लुधियाना में। ऑल इंडिया स्टेट जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस गठित हो गई 1927 में, पहला अधिवेशन हुआ, तो 1939 में लुधियाना में इसका अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी रियासतों में जो है वो प्रजामंडल की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं मिलकर संगठन बनाए ताकि संगठन शक्तिशाली बने। लुधियाना के इस अधिवेशन में जो थे वो शिमला की पहाड़ी रियासतों से किन कौन किस किस ने भाग लिया था, एक तो पंडित पद्मदेव, भागमल सौठा, मंडी से स्वामी पूर्णानंद, सिरमौर से ठाकुर हितेंद्र सिंह, बिलासपुर से सदाराम चंदेल, चंबा से विद्यासागर, विद्याधर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह ने भाग लिया। इसके बाद जो है वो इन पहाड़ी रियासतों में तेजी से जो है वो प्रजामंडल का गठन शुरू हो गया। तो मेन जो है पहली ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई बॉम्बे में, इसका पहला अधिवेशन हुआ। लेकिन हिमाचल पे जो इफेक्ट पड़ा वो था जो इनका अधिवेशन हुआ लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो वहां से हिमाचल में जो है वो प्रजामंडल का जो आंदोलन तेजी से पकड़ा, ऐसा नहीं कि इससे पहले प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। अच्छा, सिरमौर में जो है वो सर्वप्रथम प्रजामंडल का गठन हुआ था, तो वो देख लेते हैं हम, मतलब 1939 के अधिवेशन से भी पहले गठित हो गया था। तो अखिल भारतीय प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में भी जो है हिमाचल की सबसे पहली प्रजामंडल संस्था का गठन किया गया। इसके संस्थापक थे पंडित राजेंद्र दत्त, और कार्यालय इसका नाहन के स्थान पर जो है वो पौंटा स्थापित किया गया। तो इतना हमें, राजेंद्र दत्त जो थे वो पहली प्रजामंडल संस्था गठित हुई, तो राजेंद्र दत्त थे और पौंटा में इसका जो था वो कार्यालय था। चौधरी शेरजंग, मास्टर चतर सिंह, सालिग्राम, कुंदन लाल, अजायब सिंह जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, सक्रिय सदस्य थे। 12 अक्टूबर 1930 को पंजाब और पहाड़ी रियासती प्रजा का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में हुआ। इसमें सिरमौर के पौंटा से सरदार भगत सिंह और दो अन्य लोगों ने सिरमौर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवधि में सिरमौर रियासत के पंडित शिवानंद रमोल ने दिल्ली में स्थित सिरमौरी एसोसिएशन का सदस्य बनकर अपने आंदोलनकारी जीवन को आरंभ किया। रियासत के भीतर राजेंद्र दत्त इसका संचालन कर रहे थे। कहने का मतलब है कि पंडित शिवानंद रमोल जो है वो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी कार्य थे वो दिल्ली में कर रहे थे सिरमौरी एसोसिएशन का सदस्य बनकर, जबकि जो रियासत के अंदर जो काम हो रहा था वो राजेंद्र दत्त कर रहे थे। 1934 में सिरमौर रियासत के कुछ लोगों ने सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई, यानी कि सबसे पहला जो प्रजामंडल बना है वो सिरमौर प्रजामंडल बना है, और ये 1934 में बना। देवेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्माराम इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। प्रजामंडल के लोगों को आतंकित करने के लिए रियासत सरकार ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हरिचंद पाधा, आत्माराम, इंद्र नारायण और उसके साथियों पर मुकदमे भी चलाए, और उन पर महाराजा को जान से मारने और कार पे पत्थर फेंकने के झूठे आरोप भी लगाए गए।
और इनके केस जो है वो फिर वाईएस परमार के पास गए, सिरमौर के जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे, उन्होंने इस केस में प्रजामंडल वालों का पक्ष लिया और जो महाराजा के ऊपर झूठे महाराजा की हत्या के जो झूठे आरोप थे उनसे प्रजामंडल वालों को बरी कर दिया। इससे जो है महाराजा राजेंद्र प्रकाश और वाईएस परमार के बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण वाईएस परमार ने 1941 में त्यागपत्र दे दिया और उन्हें फिर राजा ने रियासत से निकाल दिया। और वाईएस परमार जो थे 1943 से 46 तक दिल्ली में इन्होंने जो है वो रहे और इन्होंने सिरमौरियों को जो है संगठित किया और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जो है वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए जो है वो तैयार किया उनको। फिर बात करते हैं हम भागल ठियोग जुब्बल में प्रजामंडल का गठन। तो शिमला में बहुत सारे लोग जो है वो भागल के जो है नौकरी करते थे, तो उन लोगों ने इकट्ठे होके 1938 में जीवणु राम चौहान की अध्यक्षता में बैठक की और भागल प्रजामंडल का गठन किया। तो जीवणु राम चौहान भागल प्रजामंडल। फिर बात करें हम मंशा राम चौहान ने को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया और इस उद्देश्य इसका उद्देश्य जो था वो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागृति पैदा करना था। ठीक है, इस भावना को लेकर पंडित भास्करानंद ने भज्जी में, ठीक है, ठियोग में सूरत राम प्रकाश ने, और भागमल सोटा ने जुब्बल में प्रजामंडलों का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भज्जी रियासत में भास्करानंद, ठियोग रियासत में सूरत राम प्रकाश, जो 1900 जब पहली रियासत थी भारत में मिलने वाली, तो इनको जो था वो प्रधानमंत्री बनाया गया था उस रियासत का, जो मतलब आजाद थी, मुख्यमंत्री बोलो चाहे प्रधानमंत्री, और भागमल सोटा को जुब्बल प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कोटी कुमारसेन बुशहर में भी इस तरह के प्रजामंडल के गठन का कार्य शुरू हो गया। जीवणु राम जो थे वो भागल प्रजामंडल, भास्करानंद भज्जी, सूरत राम प्रकाश ठियोग, और भागमल सोटा जो है वो जुब्बल प्रजामंडल का के एक तरह से अध्यक्ष भी बने और उन्होंने मेन रूप से जो है वो प्रजामंडल का गठन किया। अगर बुशहर पंजाब प्रजामंडल की बात करें तो बुशहर प्रजामंडल को 1945 ईस्वी में पुनः सक्रिय करने के लिए बुशहर की अन्य संस्थाओं जैसे बुशहर सुधार सम्मेलन, बुशहर प्रेम सभा, सेवक मंडल दिल्ली ने भी बुशहर के लोगों को संगठित किया। पहले जो था वो बुशहर पंजाब प्रजामंडल जो उतना एक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि राजा का वहां पे काफी प्रभाव था। बाद में फिर पंडित पदमदेव खुद भी बुशहर से रियासत से थे, पंडित पदमदेव ने शिमला में इसके लिए कार्य किया। मेन तो शिमला में कार्य कर रहे थे लेकिन रियासत के अंदर जो थे वो घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी जो है उन्होंने किया। तो रियासत के अंदर ज्यादा मुश्किल काम होता है प्रजामंडल गठन करने का, तो सत्यदेव बुशहरी जो थे वो बुशहर प्रजामंडल से अंदर ये क्या बोलते हैं, पंडित पदमदेव जो थे वो शिमला में इसके लिए कार्य कर रहे थे। बाद में कई वर्षों में के बाद जो है वो ठाकुर सिंह नेगी ने भी इसमें भाग लेना जो है वो शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ बिलासपुर, जुब्बल और अन्य क्षेत्रों में भी प्रजामंडलों ने अपनी जो गतिविधियां हैं वो तेज कर दी, जिसमें जुब्बल में भागमल सोटा और बिलासपुर में दौलत राम संख्या ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जुब्बल का हमने पहले पढ़ लिया, भागमल सोटा, और बिलासपुर से हमने दौलत राम संख्यान की बात की। अब बात करते हैं चंबा सेवक संघ। तो 1936 में चंबा रियासत के कुछ लोगों ने चंबा सेवक संघ नाम से एक संस्था का गठन किया। बाद में यह संस्था जो है वो राजनीतिक संगठन में बदल गई, अतः सरकार ने इस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप संघ ने अपनी गतिविधि जो है वो उसका केंद्र जो है वो चंबा से बदलकर डलहौजी कर लिया। चंबा रियासत के प्रजामंडल ने मांग की कि रियासत में लोकप्रिय जो सरकार वो बना दी जाए। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने परिवारवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उनका कहना था कि रियासत का जो दीवान था उसने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो कई व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। गांधी जी ने अहिंसा से आंदोलन चलाने के लिए कहा। अंग्रेजी समाचार पत्र जो द ट्रिब्यून था उसने संपादकीय लिखा कि सोए हुए चंबा में भी जागृति आ गई, लोकतांत्रिक विचार पहाड़ी अवरोधों को पार करके रियासत के लोगों के पास पहुंचे हैं और वे उत्तरदायी सरकार के लिए मांग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये ट्रिब्यून में उस टाइम संपादकीय जो है वो छापा था चंबा में जो प्रजामंडल का जो आंदोलन चल रहा था। फिर अगर हम मंडी प्रजामंडल की बात करें तो हिंदू और उर्दू समाचार पत्रों में चंबा की जो बुरी दशा के बारे में लेख लिखे जाने लगे। मंडी रियासत में भी 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। सिरमौर, अच्छा ये ध्यान रखने वाली चीज है, चंबा में तो 1936 में चंबा सेवक संघ बना था लेकिन मंडी जो है वो दूसरी ऐसी रियासत है सिरमौर के बाद जहां पे प्रजामंडल का गठन किया गया, 1934 में सिरमौर में और 1936 में मंडी में। तो मंडी रियासत में 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई, सिरमौर के पश्चात पहाड़ी रियासतों में दूसरा प्रजामंडल था ये,
और इसके अध्यक्ष बने स्वामी पूर्णानंद, ये आपने याद रखना, मंडी प्रजानंद। और इसके साथ ही रामचंद मल्होत्रा, बलदेव राम, हर सुख राय, सुंदरलाल मोतीराम इसके जो थे वो प्रमुख सदस्य थे। बाद में कृष्ण चंद, तेज सिंह निधड़क, केशव चंद, पदमनाथ और हेमराज भी जो है वो प्रजामंडल के सदस्य बन गए। मंडी के राजा ने प्रजामंडल की गतिविधियों पे जो है वो पाबंदी लगा दी थी। फिर बात करते हैं धामी प्रेम पचारणी सभा जो 1937 में बनी, बाद में इसका नाम जो बदल दिया गया था 1939 में। तो धामी रियासत के शिमला के निकट होने के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो शिमला में धामी के जो है वो नौकरी करते थे, और वो उन्होंने अपने जो रियासत में सुधार लाने के उद्देश्य से 1937 में प्रेम पचारणी सभा बनाई। शिमला में जो कार्यरत थे बाबा नारायण दास उसको अध्यक्ष चुना गया, पंडित सीताराम को मंत्री बनाया गया। आरंभ में इसका उद्देश्य जो था सिर्फ सामाजिक और आर्थिक सुधार था, परंतु बाद में इसने राजनीतिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया और साथ में आंदोलन भी एक तरह से करने शुरू कर दिए। तो ये धामी प्रेम प्रचारणी सभा 1937 में बनी। धामी प्रजामंडल का गठन कब हुआ, तो ये 1939 में बनी है धामी प्रजामंडल। तो इसी दौरान धामी रियासत की प्रेम प्रचारणी सभा ने सरकार के दमन से बचने के लिए रियासत प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई। इस उद्देश्य से 13 जुलाई 1939 को भागमल सौठा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुमपट्टी के कैमिली के स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में धामी रियासत की प्रेम प्रचारणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। तो जो धामी प्रजामंडल का गठन किया वो 1939 में हुआ और भागमल सौठा ने किया। इसका जो अध्यक्ष प्रधान चुना गया संगठन का वो सीताराम जी थे, और इस अवसर पर धामी प्रजामंडल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो धामी के राणा थे उनसे कुछ मांगे रखी गई। वो मांगे क्या क्या थी, जैसे बेगार प्रथा को समाप्त करना, भूमि लगान को 50% कम करना, धामी प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करना, लोगों को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, राज्य की जनता पे लगाए गए प्रतिबंध अवरोधों को समाप्त किया जाए, प्रेम प्रचारणी सभा धामी के सदस्यों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए, धामी के एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार का गठन, धामी में एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और उसमें जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है वो नियुक्त किया जाए। तो इस तरह की जो मांगे हैं वो धामी जो प्रजामंडल है उसने राणा के सामने रखी। इस प्रस्ताव में व्यक्त किया गया कि यदि रियासत के शासक ने उनकी मांग पत्र पर शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो वो 13 जुलाई को बैठक की गई, मांग रखी गई 16 जुलाई को जो है उन्होंने ये रखा कि भाई 16 जुलाई को अगर ये नहीं मानते हैं तो 16 जुलाई को जो है 7 व्यक्तियों का शिष्टमंडल जो है वो आकर राणा से मिलेगा, और मनशाराम को विशेष प्रतिनिधि बनाकर यह मांग पत्र जो है राणा के पास धामी भेजा गया। राणा ने इस पत्र को अपना अपमान समझा, उसने प्रजामंडल की मांगे जो है वो स्वीकार करने से मना कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया इसका, जो उनको जो है ये मांगे रखी गई थी। उत्तर ना पाने पे ये तय किया गया कि जो पहले से निर्धारित 16 जुलाई की डेट है उसको भागमल सौठा जो है शिमला से धामी के लिए प्रस्थान करेंगे, और धामी की जो राजधानी हलोग से लगभग 1.5 मील दूर जो है खेल के मैदान में जो है 16 जुलाई को उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। और साथ ही साथ जो 7 प्रतिनिधि की बात की गई थी तो जो 6 प्रतिनिधि थे हीरा सिंह पाल, मनशाराम चौहान, पंडित सीताराम, बाबू नारायण दास, भगत राम, गौरी सिंह उनके साथ मिलेंगे भागमल सौठा के साथ। टोटल 7 हो गए भागमल सौठा और 6 और लोग, और यहीं से जो है वो जाया जाएगा राणा दिलीप सिंह के पास 16 तारीख को। तो फिर 16 तारीख को क्या होता है, धामी गोलीकांड। भागमल सौठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे है वो शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़ते हैं। शिमला से चलते हैं वो धामी के लिए, ध्यान रखने वाली बात है। इस दल के 2 सदस्य भगत राम और देवी शरण ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सौठा उनके साथ ही धामी की सीमा के पास घनाट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रही को नेता जो है भागमल सौठा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और धामी ले गए। तो भागमल सौठा जब शिमला से धामी के लिए चले तो घनाट्टी के पास उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रहियों के स्वागत के हेतु इकट्ठा हुए लोग जो थे, जो मतलब 1.5 मील पहले जो ग्राउंड में पहले इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने राणा के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और राणा के निवास के पास पहुंच गए। राणा ने डर के मारे भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए और वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग जो है वो गोली चलाने से जो है बुरी तरह घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सत्याग्रह के नेता जो है भागमल सौठा को गिरफ्तार तो कर ही लिया गया था घनाट्टी से, उनको अंबाला जेल भेज दिया गया।
कुनिहार प्रजामंडल शिमला। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इनका जो दो लोग मरे थे भाई, किसने इनका केस लड़ा, वो क्वेश्चन आंसर पार्ट में आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर पार्ट में आएगा वो, तो हम वहां देख लेंगे इसको। कुनिहार प्रजामंडल, तो कुनिहार प्रजामंडल शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल के नेता 8 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत गए। वहां पे उन्होंने कांशीराम के साथ कई लोगों को प्रजामंडल का सदस्य बनाया। 9 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत के दरबार भवन में कुनिहार के राणा हरदेव सिंह के सभापतित्व में कुनिहार प्रजामंडल का गठन किया गया। कई जगह पे राजाओं ने भी सहयोग दिया, जैसे कुनिहार में राणा हरदेव सिंह ने सहयोग दिया, बाबू कांशीराम को जो है वो कुनिहार का संरक्षक नियुक्त किया गया, और इस सभा में भागमल सोठा और देव सुमन भी उपस्थित थे, मतलब कि इनको भी बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त जो है वो धामी बागल पटियाला महलों के प्रतिनिधि भी जो है वो भाग लेने आए हुए थे। इसके बाद है हमारा शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल, जिसको हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना मतलब भी कहा, हिमालय रियासती प्रजामंडल भी कहा जाता है, शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बड़े ध्यान से आपने ये वाला देखना, ये लास्ट है, उसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे इसको, 10वां जो है। 1 जुलाई 1939 को शिमला पहाड़ी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों की शिमला में एक सभा हुई, इसमें राजाओं और राणाओं की गुप्त गतिविधियों को प्रकाश में लाया गया। लुधियाना जो सम्मेलन हुआ था उससे प्रभावित होकर शिमला की जो पहाड़ी रियासतों की विभिन्न संस्थाओं ने एक संयुक्त संस्था बनाई, जिसको कहा गया शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल, इसका नाम जो था, और आप इसको हिमालय रियासती प्रजामंडल भी कह सकते हैं, हिमालय रियासती प्रजामंडल और शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल। इस संस्था की स्थापना बुशहर के पंडित पदमदेव और जुब्बल के भागमल सोठा ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पदमदेव प्रधान थे, बस ये याद रखना है आपने। 1939 में बनाई है हिमालय रियासती प्रजामंडल, जिसको शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल भी कहते थे। इसके अध्यक्ष थे पंडित पदमदेव और महामंत्री थे भागमल सोठा। जून 1939 को पदमदेव तो शिमला, अच्छा फिर इसके बाद जो है वो जून 1939 को पदमदेव तो शिमला में आर्य समाज का जत्था लेकर हैदराबाद चले गए थे, तो उन्होंने ज्यादा मतलब इस पे फिर जोर नहीं दिया। शिमला के जो पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल का प्रचार प्रसार का काम जो है पूरी तरह से जो है वो फिर भागवत सोठा ने अपने हाथों में आगे लेकर बढ़ाया। जुलाई 1939 में शिमला के पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के संगठन की स्थापना का अभियान चलाया गया, और इसी मास के आरंभ में भागमल सोटा, हीरा सिंह पाल, देव सुमन ने महलोक रियासत में महलोक प्रजामंडल का जो है वो गठन किया। तो मेन जो ऊपर की पॉइंट थी, पंडित पदमदेव को जो था वो अध्यक्ष चुना गया, भागमल सोटा इसके महामंत्री थे, हिमालय रियासती प्रजामंडल, जिसको शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल भी कहते हैं। आगे जो बाकी जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।